अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रेडियोलॉजी वाइब्स। तो आज हम इस टॉपिक में देखेंगे कि प्रोब ओरिएंटेशन क्या है, प्रोब ओरिएंटेशन किस तरह से हम करते हैं और इसकी एंगुलेशन क्या है। प्रोब ओरिएंटेशन, हमने अक्सर ये बात सुनी होगी जब भी हम अल्ट्रासाउंड सीखने के लिए जाते हैं तो हमें स्पेसिफिकली ये कहा जाता है कि आपके लिए प्रोब ओरिएंटेशन को सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रोब ओरिएंटेशन को अच्छे से सीख लेंगे इट मीन्स कि आप अल्ट्रासाउंड सीख जाएंगे। तो इट मीन्स आप किस तरह से देखेंगे, प्रोब ओरिएंटेशन होती क्या है, व्हाट इज प्रोब ओरिएंटेशन, इसको कैसे करना है, हाउ टू डू। सबसे पहले प्रोब ओरिएंटेशन होती क्या है, प्रोब ओरिएंटेशन होती है हमारे ट्रांसड्यूसर की एग्जैक्ट पोजीशन। ट्रांसड्यूसर जिसको आम लफ्जों में हम अल्ट्रासाउंड प्रोब भी कहते हैं, प्रोब की एग्जैक्ट पोजीशन, हमने प्रोब को किस तरह से पकड़ना है, उसको किस एंगल में पकड़ना है कि हमारा इमेज अच्छा है, तो ये चीज़ बहुत बेटर करती है हमारे ऑर्गन को फाइंड आउट करने में। बिगनिंग में अल्ट्रासाउंड सीखने को जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं समझने के लिए। सो सबसे पहले तो हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं प्रोब का, प्रोब होता क्या है, प्रोब के पार्ट्स क्या हैं। प्रोब के दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज हेड, सेकेंड वन इज टेल। हेड क्या होता है, हम अक्सर देखते हैं प्रोब पे कि प्रोब की एक साइड पे टेल, एक साइड पे डॉट लगा होता है, इस तरह से एक साइड पे प्रोब के डॉट लगा होता है, दैट इज द हेड साइड। वो प्रोब की हेड साइड होती है जिससे हमने मेन काम लेना होता है, हेड साइड से ही हमने अपना इमेज को देखना होता है, इमेज हमारा ऑर्गन जो नजर आ रहा है वो आया करेक्ट पोजीशन में है या नहीं है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे प्रोब की हेड साइड से। सेकेंड थिंग इज दैट टेल, प्रोब के जो दूसरी जानब हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं टेल। अब हमें किस तरह से स्क्रीन पे कैसे पता चलेगा कि हमारी हेड साइड कौन सी है, हमारी टेल साइड कौन सी है। सो हेड साइड के लिए हम जो चीज़ यूज करते हैं, हेड साइड हमेशा स्क्रीन के मॉनिटर के लेफ्ट साइड पे नजर आएगी। स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे जो हमें इमेज नजर आएगा वो हमेशा प्रोब की करेक्ट ओरिएंटेशन होगी, प्रोब का हेड साइड होगा। इसके बरक्स हमें जो जो टेल साइड है, टेल हमें स्क्रीन के राइट साइड पे नजर आएगी। तो अब तक आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए कि प्रोब ओरिएंटेशन को हमने किस तरह से करना है, प्रोब के पार्ट्स कौन कौन से हैं और उसको प्रोब को हमने रखना कैसे है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज जो हमने देखनी है वो है, दो चीजें होती हैं अल्ट्रासाउंड में जो कि हमने देखनी होती हैं। तो अब अगर हम प्रोब की बात करते हैं कि प्रोब को हमने पकड़ना किस तरह से है, एग्जैक्ट उसकी ओरिएंटेशन पोजीशन क्या है, कैसे बनाएंगे, तो देखिए प्रोब को आपने अपनी जो तीन उंगलियां हैं उस तरह से, जिस तरह से स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से हम पकड़ लेंगे। आपकी जो थंब साइड है, अंगूठे वाली साइड, उसको आपने अपनी तरफ रखना है, ठीक है। जब भी आप एक्सेल व्यू लेना चाहो तो आपने उसकी जो हेड साइड है, प्रोब की मार्कर साइड है, उसको टुवर्ड पेशेंट्स फेस रखना है, मरीज के मुंह की तरफ प्रोब का हेड होगा तो उसकी करेक्ट पोजीशन होगी। प्रोब रखा, उसका हेड साइड मार्कर साइड पेशेंट की तरफ होगी और उसी तरह से तीनों उंगलियों की तरफ करके प्रोब को पकड़ेंगे। सेकेंड थिंग, मार्कर का हेड जब भी आपने ट्रांसवर्स प्रोब को रखना है या इमेज लेना है तो आपका जो हेड है वो आपकी तरफ होना चाहिए, प्रोब का मार्कर हेड आपकी तरफ होगा तो ही हमें अच्छा इमेज मिलेगा। जब तक आप प्रोब को अच्छे से पकड़ना नहीं सीखेंगे तब तक आप इमेज को भी अच्छे से नहीं निकाल सकते।
तो ये थी हमारी इसके मार्कर हेड को रखने का तरीका, प्रॉब को अच्छे से पकड़ने का तरीका। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।